हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको बताएंगे बाजरे की खिचड़ी बनाना, जो हमारे राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती है। और जितनी सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो तेज़ जब सर्दी होती है, जब बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं हमारे, ज़रूर बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी लगती है, सर्दियों में खाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। अभी देखिए, मैंने करीबन 1 किलो के हिसाब से बाजरा लिया है। इस तरीके से ये देखिए बाजरा है, तो इसको मैं थोड़ा सी पानी मिलाऊंगी, हल्का सी मिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी, और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। इसको मैं ढक के रख दूंगी करीबन आधा घंटा के लिए। देखिए अच्छे से फूल चुका है, बढ़िया। और इसमें देखिए चूरा सी निकलता है, इसका कचरा ही होता है ये, तो इसको निकालेंगे। तो जो आटा छानने की छालनी होती है उससे निकालेंगे। और इसको वापस कूटेंगे इसमें डाल के, और इसको जब तक कूटेंगे जब तक इसके टुकड़े नहीं हो जाए, दो दो तीन तीन। देखिए पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें डालेंगे ये बाजरे की खिचड़ी कूटी हुई। और ये इतनी बारीक हो जाती है दोबारा कूटने के बाद। और इसमें एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको निकाल लेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो बाद में डालेंगे गर्म पानी। इसमें डाल देंगे, अब इसको करीबन घंटे घंटा भर लगेगा पकने में, तो धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी और उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और अब इसमें मैं डालूँगी तिल, ये भी देखिए थोड़े से मैं तिल डालूँगी इसमें, फिर अच्छे से चला लूँगी। और अभी धीरे धीरे पकती रहेगी। ये देखिए इसमें उबाल आ रहा है अच्छे से, अभी धीरे धीरे पकती रहेगी, बढ़िया। और इसको काफ़ी टाइम भी लगता है, इसीलिए इसको बड़े बर्तन में बनाया जाता है। और जब ये बन जाएगी ना, जब इस बाजरे को चेक करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल भी अभी आधी भी नहीं बनी है, आधी भी नहीं पकी है अच्छे से। देखिए ये पक
पक गई है, मतलब थोड़ी बहुत और पकानी है इसको। अब इसमें नमक डालेंगे, तो देखिए ये 1 चम्मच भर के नमक डालूंगी मैं, तो 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे बस, और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको पकने देंगे फिर से। देखिए नमक डालने के बाद मैं इस तरीके से ढक के पका दूंगी, तो और ये देखिए ये इतने ज़्यादा फूल भरा हुआ था, और ये बन के तैयार है। और इसका पकने का जो तरीका है ऐसे पता चलता है कि ये देखिए इस तरीके से देखते हैं इसके जो पकने का तरीका है कि कैसे पता चले कि पक गई। तो देखिए जो बाजरे का साबुत वाला दाना है वो पक गया है। तो ये देखिए खिचड़ी बनके तैयार है, और करीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया मेरे को, क्योंकि मैं इसको धीरे धीरे आंच पे पकाई हूँ, जो इसका और भी ज़्यादा टेस्ट आता है, और चूल्हे पे भी बनाते हैं तो और भी अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पे देखिए इसको जब खाते हैं तो ये गुड़ और घी डाल के खाते हैं ना, हमारे राजस्थान के पारंपरिक जो रेसिपी है खिचड़ी बाजरे की, जो बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी ज़रूर बनाइए इस तरीके से, और ज़रूर खाना, मुझे कॉमेंट करके बताना और आगे शेयर करना आपको पसंद आए तो रेसिपी। सभी को जय माता दी।